में 10 गो साढ़ छोड़ दिए हैं, गांव में 10 गो साढ़ छोड़ दिए हैं मोदी जी। कौन कौन? उन्हीं का दिन है कि जो 10 गो साढ़ पड़ते गांव में निवास कर रहा है। जैसे थोड़ा सा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आपका जो मुहावरा है। मेरा मुहावरा कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं गौ रक्षक के नाम पर, तब से गौकसी होना बंद हो गया है। उसका पूर्ण नतीजा है कि प्रत्येक गांव में 5-10 साढ़ भैंसा मिल रहा है, जो किसानों का खेत के रक्षक वही लोग कर रहा है, बचक नहीं रक्षक। और जो उससे क्या स्थिति है आज वो सामने है। आप कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, कटाक्ष नहीं, वास्तव सच्चाई बोल रहे हैं, ठीक है ना, कटाक्ष नहीं सच्चाई बोल रहे हैं। हम भी ये पूछते हैं भाजपा वाले से, चाहे मोदी सरकार से, कि जो गाय बच्चा देने लायक नहीं है, चाहे जो आज के युग में जो बच्चा हो गया है साढ़ हो गया है, उसको परवस्ती चलाने वाला कौन है? अगर जो कोई है तो बतावे, और वो जो आवारिस जो साढ़ भैंसा घूम रहा है उसको दाना खली खिलावे। करें वो लोग, हम लोग बहुत गौशाला खोल रहे हैं। गौशाला पिलू निकालने वाला है गौशाला में? कोई चलिए गौशाला में, गौशाला में है, एक देवगुण में गौशाला है कि जो कि जानवर का पिल्लू बर्तन है, वो पिल्लू निकालने वाला नहीं है कोई। तो वहाँ पे मर जाते हैं जानवर ना? वृद्धा पेंशन मिलता है उन लोग का, और जो जो सेवक है उसका, वो कसैया कुत्ता ऐसा मोटा मोटा के गदरा रहेगा जो सेवक है वहाँ का गौशाला का। बताइए, देखिए आप ही लोग बताइए इन लोगों का, इनको जवाब दीजिए। आप लोग सब कह रहे थे मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, कह रहे हैं कि 10 गो साढ़ छोड़ दिए हैं। सुनिए, छोड़ता कौन है? सुनिए ना, साढ़ छोड़ते कौन है? जो जब जब किसी से एको पैसा फायदा नहीं होता है, छोड़ते कौन है? इसको जवाब दीजिए। तू दिखा रहा है या छोड़ दे रहा? तो छोड़ रहा है, जनता ने छोड़ रहा है जी। भाई मोदी जी की कोई गलती नहीं है, उसको छोड़ना के लिए लाइए। अब हम दे, सार जरूरी है, सार जरूरी है। चलो जान जान जान, हम लोग कहाँ जाएंगे उसको? 200 रुपया लेता ना सर जी, 200 रुपया बचता है ना हम लोग के? छोड़े वाला हम ही लोग ना है, पूजा पाठ करके कान काट के छोड़ देते हैं उसको, कह रहे हैं कि उसको भगा दो, कहाँ भाग जाएगा वो? तो कहीं ही रहेगा। अरे 500 बीघा जमीन में अगर एक कट्ठा चरी जाएगा तो क्या हो गया उसे? कहा नहीं, खदेर के ट्रैक्टर पे जाके कसैया कटवाता है। हाँ, यही नियम है, पशु के पाल के कसैया कटवा दे। सार से हम लोग का कोई क्षति नहीं, कोई क्षति नहीं है, नहीं। हम लोग के बिजली जब से आया है तब से हम लोग खुशहाल है, हम लोग खेती कर रहे हैं, धान गेहूँ सब हो रहा है, इसलिए हम लोग मोदी जी को ही भक्त हैं। मोदी जी को पूरा मैंने 95% इस गांव में मोदी जी का तो खाता तो है, तो खाएगा नहीं वो? हम लोग 200 रुपया बचा रहा है, जब कहीं जाने नहीं पड़ता पठिया पले जाते हैं। 200 रुपया कैसे बचा रहा है? बचा रहा है कोई से सिम डलवाइएगा तो 200 रुपया लेता है, वो तो कम से कम बच रहा ना है। अच्छा, 200 रुपया बचाने के लिए आपका एक कट्ठा चर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? 500 बीघा जमीन है सर, अगर दो कट्ठा छोड़िए जाएगा तो क्या उसे है? हाँ, हम पोस रहे तो हमें नहा दे रहे हैं, तो ओकरा रखे में हमारा दिक्कत ना है? ये सब गलत है, साढ़ भैंसा वाला बात है, साढ़ भैंसा वाला बात गलत है, गलत है। बड़ा हॉट हो गया है मामला, इतना हॉट हो गया है मामला। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब तक विकास की बात चल रही थी, जब तक नल का बात चल रहा था, जल का बात चल रहा था, तब तक सब लोग आराम आराम से बात कर रहे थे। जैसे ही साढ़ और गाय का एंट्री हुआ वैसे ही सब लोग हल्ला करने लगे। आखिर इस साढ़ और गाय में भारतीय राजनीति में, ये सच्चाई है कि नहीं आप लोग मानिएगा ना, कि भारतीय राजनीति में साढ़ और गाय का बहुत महत्व बढ़ गया है। हम लोग पूजा करते हैं, साढ़ छोड़ेंगे ना? साढ़ हर आदमी छोड़ता है,